जी में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान साजा गौरी। नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूं फिरोजपुर रोड गैलेक्सी हॉल के अंदर, जहां पर जो है आप पीछे देख सकते ग्रेट कमीशन बाइबल स्कूल के नाम से एक ग्रेजुएशन हो रही है, जिसका पहला बैच जो कि 33 स्टूडेंट से हुआ है और ये पहला बैच है इनके जिनकी ग्रेजुएशन हुई है। तो यहाँ के जो ऑनर थे वो मेरे साथ मौजूद हैं, रेवरेंड डॉक्टर रियाज यूनुस साहब। मैं इनसे पूछूंगा कि इस वक्त जो आपका ये कौन सा बैच है और इस वक्त कितने स्टूडेंट्स आपके ये कॉलेज स्कूल से जा चुके हैं। जी रेवरेंड डॉक्टर साहब बताइएगा। गॉड ब्लेस यू सर। ये हमारे टोटल 33 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, जिनमें सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, बीटीएच और एमटीएच के स्टूडेंट्स शामिल हैं। अभी तक ये पहला बैच है या इससे पहले भी आप स्टूडेंट्स को बात? एक्चुअली मैं अरसा दराज से बाइबल टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, रेवलेशन बाइबल कॉलेज डॉक्टर मरकज फिदा साहब के साथ, डॉक्टर नईम नासिर साहब के साथ, इसके अलावा कुछ और इज्जत माप डॉक्टर बिशप यकूब पोल साहब के पैनल पर टीच कर चुका हूँ। ग्रेट मिशन बाइबल कॉलेज जो है ये मेरी रोया है और इसी रोया के तहत ये जो है खुदावंद की ने बाकायदा आवाज़ के साथ मुझे 3 मरतबा कहा कि बाइबल कॉलेज खोलो, तो ये उस रोया का आगाज है और ये उसका पहला पेड़ा है और ये हमारी फर्स्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा, ये कब शुरू किया था? ये 2013 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बाइबल कॉलेज का जो हमारी पहली सर्वे है वो आज फाइनल हुई। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पर, कहाँ पर ये अब स्कूल को बनाया है? सर मियां मीर कॉलोनी में हमारा हेडक्वार्टर है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हमारी एक्सटेंशन मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अच्छा, फैकल्टी में जो मेंबर हैं आपके वो कितने हैं और कहाँ तक पढ़े हुए हैं? ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारी फैकल्टी जो है हाईली क्वालिफाइड है। डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर वसीम यूसुफ साहब हैं, ये PhD कर रहे हैं, इन्होंने लॉ किया है, ग्रेड 17 में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कसूर में, और इसके अलावा प्रोफेसर रईस यूसुफ हैं, ये फैकल्टी का हिस्सा हैं, ये हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ में अभी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पास्टर नोर इंडियाज हैं, ये स्कूल टीचर हैं 9th और 10th क्लास की सेंट पीटर्स की, लेकिन अभी रिज़ाइन कर चुके हैं। ये भी खुद हम के शुक्र है कि एम इकनॉमिक्स हैं, BEd हैं, MEd हैं, और इसके अलावा अपनी सेमिनरी की डिग्रीज भी कम्प्लीट कर चुके हैं। जितने बच्चों ने आज ग्रेजुएशन की है ये ज्यादातर लाहौर से ही हैं कि लाहौर से बाहर से भी आए हैं? ये कसूर से हैं, इस्लामाबाद से हैं और दूसरे एरिया से भी हैं, और खुद हम की शुक्रगुजारी है कि हमारी इस ग्रेजुएशन में ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो MPhil हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्टूडेंट्स में भी, और बैंकर्स हैं इसमें। खुद हम की शुक्रगुजारी है कि हमारे स्टूडेंट्स में भी लोग काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। अच्छा, इन बच्चों ने जिन्होंने ग्रेजुएट कर ली है तो फर्दर का प्लान है कि चर्चेज बनाएंगे कि फ्रीलांस खिदमत करेंगे? ये सर अपने अपने चर्चेस में भी खिदमत करेंगे और ये ग्रेट मिशन के तहत मुख्तलिफ एरियाज में भी हम इनको एलोकेट करेंगे और पूरी प्लानिंग के साथ इनको एरियाज दिए जाएंगे और जो जो एरियाज इनके लिए एलोकेट होंगे ये उसी के मुताबिक खिदमत करेंगे। जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर पॉल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ये पॉल साहब बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया मैसेज के अंदर भी कि जाओ और कौमों को शागिद करो बाइबल के मुताबिक, तो ये जो हमारे बच्चे इस वक्त डिग्री लेके बाहर जाएंगे जी, तो क्या तवक्को रखते हैं इसके साथ आप? देखिए जी, बाइबल के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दियत के लिए कहा है, मेंबरशिप के लिए नहीं। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। बाइबल में शागिर्द की ड्यूटी आगे शागिर्द प्रोड्यूस करना होता है। तो खुदा का शुक्र हो, अगर हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जाएं तो मिशनरीज ने इस काम को किया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई अफ्रीका से आया, मुख्तलिफ तरह से आया, और अब ये काम मच्योर होता गया। और खुदा का शुक्र हो कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं खुदा ने उनके जहनों को रोशन किया और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और अब हम तक पहुंचा है। और इस तौर से शायद हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस तरह गाउन पहन कर डिग्रियां लेना मॉडर्नाइज नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि ये अट्रैक्शन है नौजवान की कि जब वो स्टेज पर आकर गाउन पहन के वो डिग्री लेते हैं टसल चेंज होती है, तो इस तौर से दे फील गुड। तो अब हर चर्च ऑलमोस्ट कोशिश करता है कि उसके हाँ जो चर्च के लोग हैं वो बाइबल स्टडी सीखें। बदकिस्मती से बड़े बड़े चर्च जिनके मीनार आसमानों में लगे हुए हैं उनके पास ऐसा नहीं है। हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है
कि वो सेमिनरी में जाए और सेम अपना घर बार छोड़कर वो जाए और फिर उसका खर्चा अफोर्ड हो। तो अब खुदा का शुक्र है कि जो सेमिनरीज का मटेरियल है वो लोकल चर्च तक आ गया है। तो इस तौर से अब हर एक के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो अपने चर्च में बाइबल को सीखे और पास्टर साहब और उनके दोस्त मिलकर क्लासेस लेते हैं, बाइबल स्टडी देते हैं। कहीं दो साल का कोर्स है, कहीं एक साल का कोर्स है, और इससे जो लोकल लीडरशिप है वो तैयार होती है। कोई भी चर्च हो, अगर वो लोकल लोगों के लिए फायदा मंद नहीं है तो आप 100 साल चर्च चले जाएं, बैठ के आ जाएं, उठ के आ जाएं, कुछ नहीं होगा। चंद लोग स्टेज पर होंगे जो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कोई नहीं। और जो लोकल कलीसिया होगी वो कभी भी लीडरशिप में स्टेप नहीं रखेगी, ये मैसेज सब तक पहुंचे। इसीलिए जो पॉपुलर चर्च है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला नहीं है। पॉपुलर चर्च है जो आपके मोहल्ले में है, जो आपके गांव में है, और वहां की जो लोकल लीडरशिप है जब वो स्टेज पर आते हैं तो फिर बात बनती है। कोई कहता है ये मेरा भतीजा है, कोई कहता है मेरा पोता है, कोई कहता है मेरा नवासा है, ये प्रीच कर रहा है, ये मीटिंग लीड कर रहा है, दैट्स इट। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम आई ओपनर हैं, आंखें खोलने वाले प्रोग्राम है कि आप सिर्फ चर्च ना जाएं कि मेरे जाते को पंखे लगे हों, मेरे जाते को बेंच तैयार हो और क्लीन तैयार हो, सारा कुछ तैयार हो और मैं जाके बैठूं और अच्छा म्यूजिक हो, अच्छे गीत हो, तो उसके बाद मैं चंदा डालूं और घर पे आ जाऊं। आप कुछ नहीं कर रहे। जब तक आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, पढ़िए घर जाकर नेहमिया की किताब, पढ़िए घर जाकर अमाल की किताब, किस तरह लोकल लोगों ने पाक कलाम को सीखा और फिर उन्होंने सिखाया। अब मछलियां पकड़ने के लिए मछेरे का लिबास ना भी हो तो मछलियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो मछलियों को पकड़ना है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास लंबा सा चोगा हो और मेरे सिर पे क्राउन हो तो तब मेरे मुंह से अच्छे अच्छे अल्फाज निकलेंगे, नथिंग। अच्छा, आपने एक बड़ी सी बात कही थी कि अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट के जाते हैं, चर्च बनाते हैं, तो आपके सामने ही एक चर्च बन जाएगा, तो आपने उससे रवाबत रखनी है, ना कि नफरत करनी, क्योंकि ज्यादातर यही कुछ हो रहा है कि चर्च के सामने चर्च आ जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं यार मेरी कलीसिया बच जाएगी। अच्छा मैसेज आपने दिया है शुरुआत में ही, ये कैसा साबित होगा? ये देखें जी, जो चर्च है वो खुदा यीशु मसीह का है, कलीसिया यीशु मसीह की है, कलीसिया किसी मजहबी रहनुमा की नहीं है। तो इस बात को जानना बड़ा जरूरी है। तो चर्च मार्केट नहीं है, चर्च को बिजनेस नहीं है, ये तो खिदमत है। और अगर खुदा जेन अकल खोले कि ये भी उसी को मानता है जिसको मैं मानता हूं, इसके पास भी वही बाइबल है जो मेरे पास, जब खुदा निकल जाता है तो पीछे शैवत प्रस्ती, पीछे नफे का लालच, पीछे मुकाबलेबाजी, ये रह जाती है और ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। अगर आप पाक कलाम में इस्तेमाल की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि पत्रस और यूहन्ना तीसरे पैर वो कठे दुआ के लिए जा रहे थे, और अगर आप अमाल पहला बाब पढ़ें तो वहां पर पत्रस जो है वो 11 के साथ खड़ा हो गया। तो वहां पर जो इब्तदाई कलीसिया थी वो हमें यूनाइट नजर आती है। जहां जहां मुकाबलेबाजी आ गई खुदा वहां से निकल गया। तो अगर मेरे अंदर खुदा है तो खुदा तो मोहब्बत है, फिर तो कोई मुकाबला रहा ही नहीं, फिर तो हसद रही नहीं। तो जहां हसद है, तो कलाम में लिखा है गलतियों 5वें बाब में कि हसद करने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाऊंगे। तो अगर मेरे अंदर हसद है तो मैं तो खुदा की बादशाही के लायक ही नहीं, तो फिर खुदा की बादशाही की प्रीच कैसे करनी। तो दैट इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर मैं खुदा का हूं और खुदा मोहब्बत है
तो फिर मुकाबलेबाजी कोई नहीं है। जी बाइबल कॉलेज के हवाले से बताइएगा कि जिस तरह आज ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट्स गए हैं, तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को किस तरह और मजीद डील करेंगे? सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम हाजरीन तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम, और सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। यकीनन आज का दिन जो है वो बहुत ब्लेस्ड और बाबरकत दिन था, क्योंकि आज खुदावंद के इरशाद आज़म की तकमील जो है वो मुमकिन हुई। खुदावंद ने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तो आज ये मुमकिन हुआ कि आज ग्रेट बाइबल कमीशन जो है उसमें तकरीबन 35 ग्रेजुएट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं, और मैं कामिल ईमान रखता हूं कि वो आने वाले वक्त में लायक तौर से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपना सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे, और गैर कौमों में मुल्क पाकिस्तान में और बैरून मुल्क खुदावंद के इरशाद आज़म को पूरा करेंगे। और ये ग्रेट कमीशन बाइबल कॉलेज की आज फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, और मैं ईमान रखता हूँ कि आने वाले जो नए मजीद स्टूडेंट्स हैं जब वो इसमें आएंगे ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि कलाम मुकद्दस के नए मुकाशफों को भेदों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ना सिर्फ वो खुद बचेंगे बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक बहुतों को बचाने का वसीला और सबब ठहरेंगे। और मैं ये कामिल ईमान रखता हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स तैयार किए गए हैं वो कलाम मुकद्दस की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं, और जैसा कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में है कि जाओ सारी खल्ले के सामने अंजील की मनादी करो, बदरूहों को निकालो और बीमारों को शिफा दो, तो यहाँ पर ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीम दी जाती है, इसके अलावा कलाम मुकद्दस के भेदों और मुकाशफों के मुतालिक भी स्टूडेंट को बताया जाता है, बदरूहों को निकालने, बीमारों को शिफा देने के मुतालिक भी तालीम दी जाती है। और मेरा मेरा ये ईमान है कि यही खुदावंद की का तालीम का बुनियादी पैगाम था कि ताकि जो कोई मसीह यीशु पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी भाई साहब, ये बताइएगा कि आज का जो ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम था और स्टूडेंट्स ने जो यहाँ से डिग्री ले ली हैं तो अब खिदमत करने निकल पड़े हैं, और आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा किस तरह आपने उनको कवर किया और पूरे प्रोग्राम को लेके चले हैं आप? जी थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ी टफ जॉब है, और ये कोई एक ही दिन में ये सब कुछ नहीं हो गया, काफ़ी महीनों की ये स्ट्रगल है। और जो डॉक्टर रियाज साहब हैं, उनकी मिसेस और उनकी सारी टीम जो है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है इस प्रोग्राम के लिए, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे उन्होंने कहा कि आप इस प्रोग्राम को होस्ट करें, आपने इस प्रोग्राम को लीड करना है, सारा चलाना है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रियाज साहब का भी, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो ये आज जो नौजवान जो है ये आज ग्रेजुएट होके यहाँ से निकले हैं, तो ये बिल्कुल ये काम जो है आइन कुरान के हुक्म के मुताबिक है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें शागिर्द बनाओ, तो ये शागिर्दियत का काम है। तो इस काम की बहुत ज़रूरत है आज हमारे इस दौर में, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर जो हैं वो थोड़े हैं, तो आज जो है ये मजदूर तैयार हुए हैं जो इस दुनिया के अंदर इस खेत के अंदर जाएंगे और बहुत सारी रूहों को बचाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सो मैं इस बात में बड़ा अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि मुझे ये प्रोग्राम को प्रेजाइड करने की मौका मिला मुझे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का भी और आपका भी कि आपने इस मुझे जी इस लाइक समझा कि मैं उस आपके प्रोग्राम में अपना इंटरव्यू दे सकूं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मेरी दुआ है कि आपका चैनल जो नेशनल न्यूज़ है ये बड़े फले फूले और दुनिया के तुलो अर्ज में, और खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और हमेशा अपने शेल्टर के नीचे अपने हाथ के नीचे रखे। खुदावंद बाइबल कॉलेज की कम्युनिकेशन में एक हमारे नौजवान मौजूद है जिनको बेस्ट ईयर द अवार्ड मिला, और मैं इनकी वालदा को जब मैंने देखा जब ये अवार्ड ले रहे थे बेस्ट ईयर का, तो उनकी वालदा के ये आंखों में आंसू आ गए। मैं बड़ा खुश हुआ कि ज़्यादातर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और ये बच्चा वो डॉक्टर बन गया जो रूहों को बचाएगा, और उसके ऊपर भी इसकी माँ के जो आंसू आए वो खुशी के आंसू थे। तो भाई ये बताइएगा कि किस तरह आपकी वालदा ने आपको यहाँ पर आने दिया और कैसे
जॉब भी करते रहे, तो किस तरह आपने एजुकेशन? जी मसीह में आप सबकी सलामती हो, मेरा नाम पास्टर आसिम इमानुअल है। तो मैं बिल्कुल सर आपने जैसे बताया कि वालदा की आंखों में आंसू आ गए, तो मैं खुदा का खादम होते हुए और प्रैक्टिकल इन मिनिस्ट्री रहते हुए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वही बच्चे खिदमत के मैदान में कामयाब होते हैं जिनके पेरेंट्स की सपोर्ट उनके साथ होती है। बिलखसूस संडे स्कूल के बच्चे, जैसे संडे स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो वही बच्चा कामयाब होता है जिसके पेरेंट्स उसके पीछे आते हैं, उसके टीचर्स से पूछते हैं कि हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, आया कि खुदा के पाक कलाम में से इसे क्या सिखाया जा रहा है, क्या इसके इसे आयात जो है वो रिपीट करवाई जाए। तो मैं अगर अपना आपको बताऊँ तो जब हम छोटे थे तो हमारी वालदा जो है वो हमें दुआए रुबानी सिखाया करती थी। इट्स मीन डैड के अगर मेरी आज यहाँ पर खिदमत है या मैंने आज बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड हासिल किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो वाजिया जो नुमाया जो हिस्सा है वो मेरी वालदा का है, मेरे वालदैन का है। उनकी सपोर्ट के बगैर या उनकी इनकरेजमेंट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मैं इस मुकाम तक पहुँच सकता था। अच्छा, जिस तरह आपने ग्रेजुएशन हासिल कर ली है तो इन द फ्यूचर आप अपना कोई चर्च बनाने का प्लान कर रहे हैं कि किसी के चर्च के साथ मुंसलिक हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मेरी ऑलरेडी खिदमत है, मेरा अपना चर्च है फैसल टाउन में, फैसल टाउन बी ब्लॉक में, और इसी बाइबल कॉलेज से मैंने जो है अपना सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर डिप्लोमा, फिर बीटीएच और आज मैंने एमटीएच की डिग्री को हासिल किया। तो खुदा के खादमीन के साथ रहते हुए उनकी सुपरविजन में काम करते हुए ऑलरेडी मैं खिदमत कर रहा हूँ, और ये जो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मुझे मिला है ये मेरी खिदमत के लिए एक जो है ना वाजिया निशान है कि मैं एक पढ़ा लिखा खादम हूँ। तो मैं वैसे भी खादमीन को ये इनकरेज करना चाहता हूँ हमेशा कि आप बेशक खिदमत के किसी भी मैदान में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप बाइबल कॉलेज का जरूर हिस्सा बने, किसी सेमिनरी का हिस्सा बने, ताकि आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जो कि इस बात की वाजिया दलील होती है कि आप एक एजुकेटेड खादम है, एक पढ़े लिखे खादम है। और बेशक जब आप सेमिनरी का हिस्सा बनते हैं तो खुदा के सीनियर खादमीन से आपको बहुत सिपा कलाम के ऐसे ऐसी गहरी बातों को सीखने का मौका मिलता है जो एक आम सोच रखते हुए हमारे लिए समझना कासिर होती हैं। तो मैं बिल्कुल इनकरेज करना चाहूँगा कि आप भी अगर खुदा के खादम हैं या खिदमत के मैदान में हैं या आना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में मैं आपको भी इनकरेज करूँगा कि आप भी किसी सेमिनरी का हिस्सा बने, बाइबल कॉलेज का हिस्सा बने और बाकायदा तौर पर खुदा की तालीम को हासिल करें, बाइबल मुकदस की तालीम को हासिल करें। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो बच्चों की जो तादाद है जो ग्रेजुएशन करके जा चुके हैं वो किस तरह आपने उनको मैनेज किया है? देखिए जी, ये जो ग्रेट कमीशन बाइबल कॉलेज है ये प्योरली एक विजन के तहत काम किया गया, इसके पीछे कोई भी मॉनेटरी या फाइनेंशियल गेन्स ऐसा या आपने आपको प्रोमिनेंट करना मकसद नहीं है। इस जो बाइबल सामनी में पास्टर साहब जो हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, वो इस्लामाबाद जाके फिजिकल क्लासेस लेते रहे हैं, पिंडी में जाते रहे हैं, उसके अलावा हम पेशावर में और इवन इसको वी प्लान टू एक्सटेंड इट टू इंटरनेशनल ब्रांचेस, राइट। और हमारा मकसद ये है कि हम जो वर्ड ऑफ गॉड है असल में वही गॉड है। अगर हम फर्स्ट जॉन का मुताला करके उसमें लिखा है बड़ा क्लियरली, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और हमारी ब्लेसिंग, हमारी प्रोग्रेस, हमारी इनलाइटनमेंट, हमारी डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक हम बाइबल के साथ नहीं जुड़ते हैं। आप देखें कि जो इस टाइम दुनिया की नाम सबसे जो वर्ल्ड प्रोग्रेस में सबसे आगे कौम जा रही है, दैट इज ज्यूश, वो 13 साल की उम्र में सबको सिखा लेते हैं। और हमारा विजन ये है कि हम भी अपनी कौम के एक एक बच्चे को, घर के एक एक बंदे को बाइबल का, अगर सारी बाइबल नहीं है, बाइबल के बेसिक डॉक्ट्राइंस का पता हो, क्योंकि कामे पाक में बड़ा क्लियर लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तभी तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी। हमारी ग्लोरी, हमारी डेवलपमेंट, हमारी प्रोग्रेस बाइबल में छुपी है। अच्छा, जिस तरह देखा जाए तो जो खवातीन भी हैं कुछ जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो अगर आप इसराइल की अगर बात करते तो वहाँ पर जब औरत हामला होती तो उनको जो है उन दिनों के अंदर गेम्स के लिए, टीवी के लिए सारी चीज़ें बाउंड कर दी, सिर्फ और सिर्फ वो कलाम पढ़ती हैं और हिसाब किताब को देखती हैं। तो क्या आपने इन जो बच्चियों को जिन्होंने ग्रेजुएशन की है इस हवाले से टीच किया गया? जी बिल्कुल, हमारा आप देखें ग्रेजुएशन में गर्ल्स की तादाद ज्यादा थी, बिकॉज जब एक वोमेन किताब पढ़ती है तो मेरा ख्याल है कि वो फैमिली का जो सरबरा है, फैमिली के जो बच्चे हैं और फैमिली के रिलेटिव्स वाले हैं, वो किताब पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे हम प्रेफर करते हैं वुमेन को एजुकेट करना मर्द से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मर्द का मोस्ट ऑफ टाइम जो है घर से बाहर गुजरता है, और जो घर की चार दीवारी में जो यूनिवर्सिटी है, जो बेसिक यूनिवर्सिटी, जो फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटी है, वो घर की खातून होती है। उनको डेफिनेटली इस सिलसिले में ग्रेजुएट किया गया, और हमारी ये विश है कि खुदावंद का ये जो कलाम है उनकी बॉन्ड मैरोज में उतरे, उनके अंदर उतरे। और
मेरा ख्याल ये है कि हम इसमें कामयाब होते हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, आने वाले जो स्टूडेंट हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, अगर वो आपके बाइबल कॉलेज में आते हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने जो कम्युनिटी है उनको ये पैगाम देने देता हूँ। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम लोग अगर अपनी अरेंजमेंट ठीक कर लें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जीसस क्राइस्ट की बात कभी गलत साबित नहीं हो सकती है। हम लोग तब तक कभी भी तरक्की रूहानी जिस्मानी लिहाज से नहीं कर सकते जब तक हम बाइबल को अवलीन दर्जा नहीं देंगे। तो मेरा कौम का मैसेज ये है कि पहले हम उसकी बादशाही को ढूंढें और ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। मैंने आज तक कभी कोई गॉड का जो फॉलोअर है उसको किसी चीज में पीछे नहीं देखा है। तो फर्स्ट गिव योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एंड जो है अहमियत आपने खुदा के कलाम को देनी है। यही मेरे मैसेज है एंड चैलेंज कि आप जिंदगी के किसी भी फेज में नाकाम नहीं हो सकते, आपकी कभी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह 50 मेंबर्स जो हैं वो फुल एजुकेटेड हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पर जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ग्रेजुएशन की है उनको साथ साथ एजुकेट भी करते रहे हैं। मेरा ख्याल है जितने भी हमारे बाइबल कॉलेज हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारे आने वाले पास्टर्स को तैयार करते हैं, क्योंकि कलाम के मुताबिक लिखा है कि तुम जाओ और कौमों को शागिर्द करो, तो मेरा ख्याल जो पास्टर साहबान यहाँ से निकलते हैं ग्रेजुएट होकर, तो वो मेरा ख्याल है कि अपनी जो कौम है, जो कलीसिया है, उसको बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार करेगी। अगर कलीसिया अच्छी तैयार होगी तो हमारी कौम भी तरक्की करेगी। मुझे और कैमरा मैन तारक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।